चुनाव से पहले सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना रामकोट, थाना सकरन पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आप देख सकते हैं कई दर्जन अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। दो अभियुक्त फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं शस्त्रों की गिनती दर्जनों के हिसाब से दिखाई दे रही है। इस पर नगर क्षेत्र अधिकारी अमन सिंह ने बाइट में क्या कहा, आइए बात करते हैं अमन सर जी। पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश लगातार थाना अध्यक्षों को प्राप्त होते रहेंगे। उपक्रम में आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को दो थानों की टीम ने रामकोट व सकरन की पुलिस टीम द्वारा अपने अपने क्षेत्र में एक एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। थाना रामकोट की पुलिस टीम द्वारा ग्राम रामपुरवा में पेरी नदी के किनारे पुलिस लाइन के ट्रैक के पास से एक भट्टे के खदान से एक अभियुक्त जिसका नाम राजकुमार है उसको अवैध शस्त्र बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से लगभग 23 अदद अवैध निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, 3 अदद जिंदा व खोखा कारतूस व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया गया है। और सकरन की पुलिस टीम द्वारा वहद ग्राम अलीपुर में चौका नदी के पास से एक खेत से एक अभियुक्त जिसका नाम साबिर अली है इसको अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 11 अदद निर्मित व अनिर्मित तमंचे व 4 अदद जिंदा व खोखा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया गया है। अभियुक्त जिसको रामकोट की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है इसका अभी कोई आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं। लेकिन जो सकरन से अभियुक्त साबिर अली जिसकी गिरफ्तारी की गई है ये पहले से थाने का हिस्ट्री शीटर है व सीतापुर और लखीमपुर खीरी दोनों जनपदों में मिला करके लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा चोरी व नकदजनी के मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत।